बिशप जिनकी गवाही है, इनके पति 3-4 सालों से नशा करते थे, वह घर में लड़ाई झगड़ा करते थे और घर के खर्चे के लिए इन्हें पैसे नहीं देते थे, बल्कि इनसे बोलते थे कि तू मुझे पैसे दे, क्योंकि वो खुद काम पर नहीं जाते थे। फिर ये बहन चमत्कार चर्च में आए, वह बिशप जी से अपने पति के लिए प्रार्थना करवाई। अब इनका पति ने नशा छोड़ दिया है, वह लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते और काम पर भी जाने लगे हैं। हालेलुया, जय मसीह की। मेरा नाम मनु देवी है। मेरे पति ने नशा छोड़ दिया, 3-4 साल से बहुत तंग करते थे। जब भी कभी घर से पैसे मांगते थे, कभी लड़ाई झगड़ा करते थे, उन्होंने बहुत तंग किया। हार कर हमने प्रार्थना कराई, पास्टर जी से प्रार्थना कराई, तो उन्होंने नशा छोड़ दिया। एक बार फांसी पर लटक गए थे तो प्रार्थना कराई तो वो भी बच गए। धन्यवाद। नहीं, आपने यहाँ पे लिखा 3-4 सालों से आपके पति नशा करते थे और घर में लड़ाई झगड़ा करते थे और काम पर नहीं जाते थे और आपको कहते थे आप मुझे पैसे दो कि मैं नशा करूं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे चमत्कार चर्च में आए और अपने पति के लिए प्रार्थना करवाई, बिशप जी ने आपके पति के लिए प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया है। हाँ जी, अब बिल्कुल नशा नहीं करते हैं, थोड़ा करते हैं, अब काम पर जाते हैं। हाँ, जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते इस गवाही के लिए जो इनके पति ने नशा छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो फांसी कैसे आप बोल रहे थे? सुबह से मेरे से पहले पैसे मांगे थे, मुझसे पैसे मांग कर उन्होंने, मैंने कहा पैसे नहीं है, तो लड़ाई झगड़ा करके गेट लगा लिया, सारा दिन गेट लगा रहा। फिर हमने प्रार्थना कराई, शाम को जब वो लटके तब मैं पास ही थी तो गेट खोला तो ऊपर लटके हुए थे। अच्छा, ऊपर लटके हुए से सारा दिन अंदर से गेट बंद था। हाँ। और वो ऊपर लटके हुए थे। हाँ। जब आपने गेट खोला और उसको कुछ नहीं हुआ, जैसे आपने प्रार्थना करवाई थी, तो नीचे से मैंने पैर पकड़ लिए, सभी घर पर थे तो वो बच गए। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते इस गवाही के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बड़ी हानि से होने से बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। नशे से मुझे याद किया था कि मैं दारू बहुत ज्यादा पीते थे और उस नशे से मुझे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे याद कर दिया। तो यहाँ जब हम लोगों ने प्रार्थना शुरू की थी यहाँ पर, तो पहली बार ये आए, 2 महीने से मैं पहले ही आ रही थी, लेकिन मैं यहाँ बीच में मैं चली गई थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ आने लगी तो यहाँ पे मीटिंग होने लगी। मैं वहाँ गुरु नानक बस्ती में जाती थी पहले 2 महीने। तो मतलब कितने साल पीते रहे दारू? 10-12 साल तक पीती रही। रात को पीते, दिन में भी? दिन में भी पीती रही, सुबह चाय नहीं पीती थी मैं, चाय पीना अच्छा नहीं लगता था, ना कोई कहीं ब्याह शादी में कोई मिठाई होती है वो खाती थी, नहीं खाती थी मैं। अभी मैं मिठाई भी खाती हूँ, चाय भी पीती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आप निश्चित रहिएगा, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, हम लोग आपको हमेशा याद करते हैं इस एक अलग तरह के अद्भुत गवाही के लिए जो आपने आकर गवाही दी। बहुत से ऐसे हैं जो गवाही नहीं देते, वो मतलब, लेकिन आपने आकर गवाही दी कि परमेश्वर ने आपके जीवन में इतना बड़ा काम किया। इसलिए दिल से हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं और आपको याद करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। बिशप जिनकी गवाही है, इस बहन को 15 सालों से एक टांग की नाड़ी ब्लॉक थी, जिसकी वजह से इनकी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि एड़ी के पास से खून निकालना पड़ेगा। इन्होंने फिर 2 संडे को चमत्कार चर्च से प्रार्थना करवाई और उसके बाद ये बहन बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मैं ना 15 साल पहला प्रभु च नहीं सी, साढ़े बहुत ज़्यादा दर्द सी मेरे लत्त च, ते नाड़ी दे विचों खून कढ़ाया, उदो नाड़ी ब्लॉक सीगी। उदू बाद हुण फिर मेरे हो गई ब्याह, फिर प्रॉब्लम दोबारे हुई, तो मैंने बहुत क्या, मेरे नौ पुत्र ने भी कहा भी चल मम्मी तेरा इलाज करा लिया, उन्हें भी वो भी बीमारी फिर फिर डॉक्टर को गए सी, किदन दवाई लेके आए, उन्होंने कहा भी जे आराम आ गया तो ठीक आ, नहीं तो यदि नाड़ी ब्लॉक हुई भी फिर तो फिर खून कढ़ाना पेगा। मैं क्या हरकत तो नहीं, मैं जानती गई हरकत, मेरा परमेश्वर प्रभु यसू मैंने सही करेगा। मेरे परमेश्वर ने मैंने बहुत आशीष दी, पिछले संडे मैंने आशीष भी बहुत मिली,
और मैंने परमेश्वर ने मैनू चंगा भी किया। थैंक यू जी यस परमेश्वर हालेलुया। जो आपकी नाड़ी ब्लॉक थी तो आपने दो संडे प्रार्थना करवाई, लगातार मीटिंग अटेंड की और उसके बाद वो जो नाड़ी थी ब्लॉकी थी वो खुल गई और उसके बाद अब कोई पेन नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, मेरी पूरी बॉडी जी कितने भी दर्द नहीं होता। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का। जो डॉक्टर ने कहते थे आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेट कराना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने विश्वास किया कि मैं परमेश्वर की हजूरी में जाऊंगी और प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे, और इनके साथ वैसे ही हुआ। जैसे आपका विश्वास है आप आज वैसे ही आशीष को पाएंगे, अपनी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। हालेलुया हालेलुया।